यू बोला रईस लड़के का ढंग बदल जो बदल दो कपड़े नए पर हटे और पंगड़े वाला देश बना दे उसके सर पर मोड़ लगा दे इसका मोड़ बांध हो रही समय लेकर फैल नहीं और जब इसकी रूप सज्जा करनी है क्योंकि अपने अपने ढंग से सब बताते हैं कि वह इसी ड्रेस हो या चीज हो उसको सजाते हैं क्या रूप सज्जा पहले नंबर पर की है
रूप सज्जा करो। और जब वो दूल्हे के रूप में चंद्रगुप्त उन सेठ साहूकारों के बड़े बुजुर्गों के सामने लाया गया, अर्थम उसने समझाओ है तरह तरह की बात बताओ कि बेटा न्यू करिए, इतना करिए, हमारी इज्जत का ख्याल करिए। उस बनड़े का काने का चाचा आया, जब ये बजा रहा हो गए भागो, इंसान का जैसा चेहरा जैसे, उसका व्यक्तित्व जैसी, उसकी पर्सनैलिटी होती है, ऐसा उसका दिमाग और उसका दिल भी होता है। यू छोरा तो ठीक है, बता रहे मत नहीं है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सारी समझ है। जितना इसका करार है उतना है पूछेगा कैसे तीसरे नंबर पर है। क्या कहा श्रोता है, तीन कली में समझाते हैं कि वह जो किसी का भला करता है परमात्मा उसका स्वयं भला करता है। एक दादा जगन्नाथ का भजन आग्रह, आजकल दूसरे का भला करने की तो दूर की बात है, अपना पति नाश होता है अपना करवा लेंगे, पर थोड़ा दूसरे का जरूर होना चाहिए। तो शंकर भगवान एक जने की तपस्या से खुश हो गया, ने बोला वो वरदान मांग ले, रहने देना बाबा जी सारी चीजें मौज है, उनको उतुआ कैलाश पद तारे गाड़े को बुलाना था, नहीं भाई मैं आया हूँ तो वरदान मांग ले, पर वरदान की एक कंडीशन होगी। अच्छा बोले वरदान भी बाबा कंडीशन बदे है, और कंडीशन होगी क्या कि जो चीज तने दूंगा वह तेरे पड़ोसियां गए तेरे गांव में दुगनी जागी, तने एक कार दूंगा तो पड़ोसियां गए दो होंगी, तने एक ठेला दूंगा तो दोनों एक पांच सात फुट चौड़ा खड़ा खोज के बरना के पड़ोसियां का 28-28 फुट के 35-35 फुट के खोज दिए। इब उसने तो एक आंख तो दिक्कत आने बोले सारे ने 100 की स्पीड पकड़ तब जा रहे, उसने दी कदम टल के पड़ोसी सारे कुएं में तो बाजे बाजे तो मांगे भी नहीं होता था जगन्नाथ का आकर दायक बात है। अब छोटी छोटी बात बढ़ाया ना करो, जल्दी इनका तुफाया ना करो, एक दूसरे का सहयोग करा करो, प्रेम से रहना सीखें जो हिंदुस्तान की संस्कृति है। अंतिम कली में ये कहते हैं कि वह जो भला करे उसका परमात्मा खुद भला करे, और निकाने पर के वरदान ना मांगियो कुए फूंद जाए,
अपने तो खाटा मांगने का भी पा जाएगा क्या कहा और लखनी चल कहे लगी जगर पे